रंग खेलने के बाद ये गंदे फेस को कैसे आसान तरीके से ओनली एक इंग्रेडिएंट्स के साथ कर सकते हो क्लीन और वो भी एकदम नेचुरल, वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी ये वीडियो में। ये देखिए मैंने पहले पानी से तो अच्छे से धो लिया है, साबुन भी इसमें स्क्रैबर भी यूज़ किया है, तब पर भी ये ब्लू कलर एक कुछ मेरे स्किन के ऊपर लगा हुआ है। और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ ये निकालने के लिए, मुझे कलर से बहुत इरिटेशन होता है। यहाँ पे मैंने लिया एक टिशू कॉटन और लिया है एक नारियल कोकोनट ऑयल। तो यही चीज़ से मैं आज आप लोगों को ये फेस एकदम क्लीन करके दिखाऊंगी। बताना चाहूँगी कि कितना भी ये होगा गाढ़ा रंग होगा वो तो एकदम से नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसे दाग मतलब जो 80% तक इसमें से दाग निकल जाएगा। तो मैंने कॉटन में थोड़ी सी ऑयल ले लिया और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में दिखा रही हूँ, तो आप लोग ये ना समझे कि मैं घिस घिस के रगड़ रही हूँ। तो देखिए मैं ऐसे पूरा फेस पे ऑयल को अच्छे से मसाज कर रही हूँ कॉटन के साथ। और जो ये ध्यान दीजिएगा जो मोशन में सामने वाला लगाता है, अगर उसका ऑपोजिट मोशन में आप घिसते हो तो वो ना बहुत अच्छे ऑपोजिट डायरेक्शन में घिसते हो तो वो बहुत अच्छी तरह से आपका ये जो है कलर, देखिए एक झटके से मेरा कलर कितना ज़्यादा निकल के आ गया है। और मुझे थोड़ा इचिंग भी हो रही थी ये कलर से, क्योंकि इस बार तो हम लोगों का महाराष्ट्र में कलर वगैरह कहीं पर नहीं मिला, क्योंकि बैन है रंग देना एक दूसरे के ऊपर। तो इसके लिए घर में ही जो लास्ट ईयर का रंग था तो वही एक रिचुअल होता है रंग खेलने का। और सबसे ज़्यादा मेरी ट्विटी अनिष्का बहुत दुखी थी, इसके लिए हम लोग ट्विटी के चलते सब कोई रंग खेले नहाने से पहले, घर के अंदर ही बाहर नहीं गए। तो ऐसे में पूरा देखिए फेस के ऊपर अच्छे से इसको रब कर करके लगा रही हूँ। और देखिए कॉटन में भी कितना ज़्यादा ज़्यादा कलर आके मतलब उठ के निकल के आ रहा है। तो मैं कॉटन को एक बार यूज़ करके नहीं फेंकूँगी, कॉटन को बार बार मैं फोल्ड चेंज कर करके मैं इसको जो ऑयल है कोशिश करूँगी लगाने के लिए। तो कोकोनट ऑयल ना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये हार्मफुल बिल्कुल नहीं होती है और ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। अगर आप कोई भी क्रीम ना यूज़ करके हर दिन अगर कोकोनट ऑयल थोड़ी सी अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो आपका स्किन बहुत यंगर लुकिंग रहता है। देखिए मैं बार बार एक ही कॉटन को यूज़ कर रही हूँ, फिर से एक वो कॉटन बहुत गंदा हो गया था तो दूसरा एक कॉटन लिया और अच्छे से ऑयल को ऐसा लगा लगा के मैं अपनी फेस को कर लूँगी क्लीन। लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैंने फेस को क्लीन कर लिया है और ये जो मेरा चेहरे के अंदर खड्डा बिड्डा है वो सब के अंदर भी रंग चला जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे स्किन गाल पे जो खड्डा बिड्डा है, चीन पे जो खड्डा बिड्डा है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। क्या करूँ, भगवान ने दिया है तो इसको कैसे मैं रिमूव करूँ। किसी किसी को बहुत ये पसंद है और किसी को शायद नापसंद भी आ सकता है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है। और ये देखिए कितना ज़्यादा रंग ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है अपने चेहरे से और बाकी भी मैं कर लूँगी। मेरे चेहरे का जो रंग था वो देखिए मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिया, अभी आईब्रोज़ के ऊपर थोड़ा सा है वो सब भी कर लूँगी। और जब आपका कॉटन एकदम से गंदा हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मेरा हो चुका था और बाकी मैं नहाऊँगी तो साबुन के सहारे शायद उठेगा भी नहीं उठेगा, कोई नहीं, एक दो दिन के बाद ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए ये कॉटन टिश्यू जो वेट कॉटन टिश्यू होता है उसके सहारे मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से हल्के हाथों से क्लीन कर ले रही हूँ। तो देख लिए फ्रेंड्स मैंने कैसे एक ही इंग्रेडिएंट्स के सहारे मैंने फेस को कर लिया क्लीन। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आप लोग कैसे फेस को करते हो क्लीन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।